वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। गाजियाबाद दिल्ली सीमा फिर से सील, डीएम अजय शंकर पांडे ने दिया है आदेश। प्रशासन के मुताबिक पिछले दिनों गाजियाबाद में आए ज्यादातर कोरोना केस दिल्ली से आने वाले लोगों के लॉकडाउन 2 की शर्तें लागू हुई। जरूरी सेवाओं जैसे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस और बैंक कर्मियों के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय कर्मचारियों और मीडिया को भी पहचान पत्र से एंट्री मिलेगी। लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान सरकार का नया फैसला, रेड जोन में भी खुलेंगे सुबह की सैर के लिए पार्क। रेड जोन में ओला उबर टैक्सी सेवाओं को 2 पैसेंजर के साथ सफर की छूट रहेगी, ऑटो में 1 यात्री कर सकेगा सफर। बिहार के बाढ़ में श्रमिक एक्सप्रेस के यात्रियों का हंगामा, ट्रेन को जगह जगह रोके जाने से गुस्सा, 3 दिन से हैं सफर में। यात्रियों के मुताबिक कुर्ला से मोतिहारी का टिकट लिया था, पटना से बरौनी दरभंगा जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया गया। दिल्ली से मोतिहारी आ रहा एक मजदूर परिवार 4 दिनों से ट्रेन में है, पहले 30 घंटे का होता था ये सफर। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बंगाल होते हुए आ रही है ट्रेन। समस्तीपुर प्लेटफॉर्म पर मजदूर की पत्नी ने दिया बच्चे को जन्म। कोरोना संकट के बीच चौकीदार का काम करने वाले नेपाली नागरिक लौट रहे हैं अपने घर, 2 महीने से नहीं था कोई भी रोजगार। देश में जारी है कोरोना का कोहराम, पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 7,000 नए मरीज, कुल 1,39,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने ली 154 लोगों की जान, 4,000 के पार पहुंचा है मौत का कुल आंकड़ा। कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी तेज, अब हर दिन 1,00,000 लोगों की हो सकती है टेस्टिंग। इस समय पूरे देश में 609 लैब कर रही हैं टेस्ट, हर दिन 2,00,000 टेस्ट करने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 194 नए मामले सामने आए, राज्य में अब तक कोरोना से 300 लोगों की गई है जान। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना, पिछले 24 घंटे में 2400 से ज्यादा नए मामले, कुल 52,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत, अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, पिछले 24 घंटे में 765 नए मामले। तीसरे नंबर पर गुजरात है, 14,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 392 नए करीब केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 508 नए मामले आए, 13,400 से ज्यादा केस, एक दिन में 30 लोगों की गई है जान। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 286 नए मामले, अब तक 7,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। नए केस के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित शहर बना मुंबई, मॉस्को के बाद रोजाना सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं सामने। रेल मंत्रालय में सामने आया कोरोना का दूसरा केस, 2 दिनों के लिए बंद किया गया रेल भवन। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 87 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित, 1700 से ज्यादा पुलिस वाले पॉजिटिव। दिल्ली को लोगों को सीएम केजरीवाल ने भरोसा दिलाया, कहा कोरोना से लड़ने के लिए पूरे इंतजाम है। लॉकडाउन 4 में हवाई उड़ानों के शुरू होने का आज है दूसरा दिन, अब प्राइवेट जेट और चार्टर्ड प्लेन को भी परमिशन। आज से आंध्र प्रदेश के लिए भी हवाई सेवाओं की शुरुआत, पश्चिम बंगाल में 28 मई से शुरू होगी विमान सेवा। हवाई सेवाओं के लिए WHO की सलाह, कम से कम 1 मीटर की दूरी रखना जरूरी है। दिल्ली के तुगलकाबाद में बड़ी आग लगी, 200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक, गोदाम भी खाक हुआ। एक के बाद एक कई सिलेंडर फटने से बढ़ गई थी आग, दमकल की 30 गाड़ियों ने किसी तरह से पाया काबू। बिहार के बांका में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हुआ, विधायक रामदेव यादव के साथ हाथापाई। मुंबई और गुजरात से आ रहे 2 मजदूरों की मौत की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, कोच में सफर कर रहे यात्रियों की हो रही है पहचान। जम्मू कश्मीर के मेंढर में फंसे प्रवासी मजदूर बिहार के लिए रवाना हुए, कटरा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा। महाराष्ट्र से पहली विशेष ट्रेन से 400 प्रवासी श्रमिक पहुंचे जालौर, स्क्रीनिंग के बाद भेजे जाएंगे घर। अगरतला में कोरोना के 4 नए मामले, चारों ही महाराष्ट्र से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौटे थे घर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह की तैयारी, पूरे देश में डिजिटल अभियान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जारी करेंगे संदेश, फेसबुक पर होंगे लाइव। हर स्तर पर वर्चुअल तरीके से रैली का आयोजन, हर बूथ पर नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रचार। 10 करोड़ घरों तक जाएगा प्रधानमंत्री का पत्र, आत्मनिर्भर का संकल्प, विश्व कल्याण हेतु भारत की भूमिका को लेकर अपील। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की प्रवासी मजदूर राम पुकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात, 1,00,000 रुपए की मदद और नौकरी देने का वादा किया। 1 साल के बेटे की मौत की खबर सुनकर बेगूसराय के लिए पैदल निकल पड़े थे राम पुकार, 3 दिन दिल्ली UP बॉर्डर पर अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद मिली थी मदद। आगरा में पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश, पूर्व फौजी की पिटाई का किया विरोध। हरियाणा के झज्जर में सैनिक सम्मान के साथ शहीद गौरव दत्त की आखिरी विदाई, जहाज में प्रेशर किट फटने से हुई थी मौत।
महीने पहले हुई थी गौरव दत्त की शादी, पूरे गांव में पसरा है मातम। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़े इलाके में दो गाड़ियों के बीच टक्कर हुई, दो लोग हुए बुरे तरह से घायल। कड़वा में रेत विवाद को लेकर दो पक्षों के लोगों में अनबन, गोलीबारी में 10 लोग घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन में किसानों पर दोहरी मार, टिड्डियों की वजह से फसल बर्बाद। मध्य प्रदेश के बैतूल में चमगादड़ों की मौत से दहशत, तेज गर्मी हो सकती है इसकी वजह, जांच के लिए सैंपल्स भेजे गए। पटना सिटी में क्वारंटीन सेंटर में मिले दो जहरीले सांप, सेंटर में साफ सफाई नहीं किए जाने की गई शिकायत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।